कमलोटा पंचायत के तहत गांव धनोट को जाने वाले रास्ते को एक महिला द्वारा बंद किए जाने को लेकर उप पंचायत के लोग प्रधान अजय की अगुवाई में डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज से मिले और उन्होंने अपना दुखड़ा उनको सुनाया। पंचायत के लोगों का आरोप है कि गांव की एक महिला द्वारा इस रास्ते में ट्राली से पत्थर फेंक कर बंद कर दिया गया है, जिससे यहाँ से आने जाने वाले लोगों के लिए अब परेशानी खड़ी हो गई है। कमलोटा पंचायत के तहत गांव धनोट को जाने वाले रास्ते को एक महिला द्वारा बंद किए जाने को लेकर उक्त पंचायत के लोगों ने प्रधान अजय कुमार की अगुवाई में डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज से मुलाकात की और उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। पंचायत के लोगों का आरोप है कि गांव की एक महिला द्वारा इस रास्ते में ट्रॉली से पत्थर फेंक कर बंद कर दिया गया है, जिससे यहां से आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो रही है। गांव के लोगों का आरोप है कि धनोट के लिए ये रास्ता पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, लेकिन इस सरकारी रास्ते को अब रोक दिया गया है। लोगों ने डीएसपी ज्वालाजी तिलकराज को बताया कि रास्ता रोकने के बाद उन्हें काफी परेशानी हो रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने स्थानीय थाने में भी की थी। लोगों का कहना है कि इस बीच पुलिस भी मौके पर जगह का मुआयना करने पहुंची थी और तहसीलदार व कानगो की अगुवाई में ये पाया गया कि गांव की जिस एक महिला द्वारा ये रास्ता रोका गया है वो सरकारी है। इसके बाद उक्त सभी की मौजूदगी में रास्ते को खोल दिया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस कार्रवाई के बाद 7 अगस्त को उक्त महिला ने 3:15 बजे के करीब ये ट्रॉली से पत्थर मंगवा कर दोबारा इस सरकारी रास्ते को बंद कर दिया। लोगों ने डीएसपी को बताया कि रास्ता बंद होने के चलते ग्रामवासियों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने आग्रह किया कि इस रास्ते को बंद करने वाली महिला के खिलाफ पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई अमल में लाए। साथ ही गांव वालों ने चेताया कि यदि गांव का एकमात्र रास्ता बंद होने के चलते यदि कोई अप्रिय घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। हमारी ग्राम पंचायत में कमलोटा से लेके रोड को जो रास्ता जाता है वो अनिल कुमार ने बंद कर दिया, उसकी डीसी ने और अनिल ने बंद कर दिया। और ये रास्ता जो है पंचायत द्वारा बनाया गया है और ये जो रास्ता सरकारी पैसा इसमें लगा हुआ है और इन रिकॉर्ड मतलब ये सरेआम रास्ता है और ये रास्ता जो है पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता आ रहा है। प्रधान जी, क्या कारण रहा कि जो बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, जो रास्ता बंद कर रहे हैं, क्या कारण है ये जो रास्ता बंद कर रहे हैं? इसके पीछे इसकी कोई मंशा जाहिर नहीं होती, क्योंकि अगर ये रास्ता बंद करता है तो ये इसको चाहिए था कि अगर कोई इसको दिक्कत भी है इस संबंध में तो ये पंचायत से या संबंधित विभाग से रेवन्यू से ये संपर्क करता और अपनी बात को बाहर रखता। ये कोई तरीका नहीं बनता कि सरेआम रास्ता चला हुआ है उसको बंद करें। तो इसमें क्या पुलिस विभाग ने आपका सहयोग किया कुछ? हाँ, डीएसपी साहब से अभी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर जल्दी ठोस कदम उठाया जाएगा और जो दोषी है इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।